हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सब टीवी का बेहद पसंदीदा शो है। लोग इस शो को देखना बेहद पसंद करते हैं, पर कई टाइम से ये सुर्खियां बटोर रहा है अपने कुछ विवादों के चलते। दरअसल मिसेस सोड़ी का रोल प्ले करने वाली जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल के यौन उत्पीड़न मामले में सुनवाई उनके पक्ष में हुई है। जी हाँ, जिसके बाद अब शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी को बकाया राशि और 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश मिला है। आपको बता दें, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मिसेस सोड़ी यानी जेनिफर मिस्त्री ने असित कुमार मोदी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार की सहायता से इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ी। जेनिफर मिस्त्री ने इससे पहले नाराजगी भी जाहिर की थी कि उनके पक्ष में फैसले के बावजूद आरोपी को सजा नहीं मिली। जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल फेमस टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मिसेस सोड़ी का रोल प्ले करके घर घर पर काफी फेमस हुई, पर वो तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी पर वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने पिछले साल असित कुमार मोदी, सोहिल रमानी और जतिन रमानी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। मामले को लेकर उनकी चल रही लड़ाई में फाइनली आशा की किरण नजर आई है। जब मुंबई पुलिस से किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिला तो एक्ट्रेस ने महाराष्ट्र सरकार से मदद मांगी थी। स्थानीय शिकायत समिति के गठन के बाद इस मामले में कार्रवाई तेज हुई, जिसके बाद असित कुमार मोदी को वर्क प्लेस पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न एक्ट 2013 के तहत 4 महीने के भीतर दोषी पाया गया। पिछले साल एक इंटरव्यू के दौरान जेनिफर मिस्त्री ने अपनी बातों को दुनिया के सामने रखी थी। इसका असर ये हुआ कि शो के दूसरे कलाकार जैसे मोनिका भदौरिया, प्रिया आहूजा और पूर्व निदेशक मालव राजदा ने भी अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में खुलकर बातें की। फिलहाल इस बात के बाद असित कुमार मोदी को 5 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। साथ ही बकाया राशि और जानबूझकर रोकने वाले एक्स्ट्रा राशि के लिए भी एक्स्ट्रा मुआवजा देने का आदेश दिया गया है, जो कुल मिलाकर लगभग 25 से 30 लाख रुपए है। वैसे ये फैसला 15 फरवरी 2024 को आया, लेकिन जेनिफर को इसे शेयर ना करने के लिए कहा गया था। हालांकि जेनिफर का ये मानना है कि एक महिला की प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा मायने रखती है। फिलहाल मोदी को यौन उत्पीड़न का दोषी साबित करने के बावजूद तीनों आरोपियों को कोई सजा नहीं दी गई है। जेनिफर बंसीवाल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर बताया कि आखिरकार कोर्ट में सच्चाई साबित हुई है। कोर्ट ने सेक्सुअल हरासमेंट मामले में असित मोदी को दोषी पाया है। हालांकि वो कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है, वो चाहती हैं कि उन्हें जेल हो। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को।